लॉकडाउन में वरुण अर्जुन चिकित्सा महाविद्यालय में गूंजी किलकारियां। कुबाया की महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, जच्चा बच्चा दोनों हैं स्वस्थ। बता दें कि तहसील पुवाया निवासी निर्मला कौर प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। लॉकडाउन में जहां एक और डॉक्टर कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वहीं सोमवार को वरुण अर्जुन चिकित्सा महाविद्यालय में निर्मला कौर गंभीर स्थिति में उनके परिजनों द्वारा लाई गई थी। जच्चा बच्चा की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। रोहिलखंड वरुण अर्जुन चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर कर्नल कृष्ण गोपाल पूर्ण एवं डॉक्टर कामता प्रसाद निराला ने प्रसव पीड़ा से जूझ रही निर्मला कौर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से निर्मला कौर ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री है। नवजात बच्चे और माता दोनों स्वस्थ हैं। निर्मल कौर, जिला शाहजहानपुर, तहसील पुवाया, डाकखाना रोहतापुर, रामपुर कला, गांव मेरा लक्ष्मीपुर है। मेरी बेबी वाइफ के कल 3 बच्चे हुए हैं रोहिलखंड हॉस्पिटल में। तो हम पहले पुवाया आए तो वहाँ ऐसी कोई सुविधा हॉस्पिटल कोई भी नहीं है जहाँ 3 बच्चों की डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ मजबूरी में जहाँ आना पड़ा, तो जहाँ हमारे वाइफ बिल्कुल सही और तीनों बच्चों की जन्म बहुत बढ़िया हुए, सब सही है, और मैं डॉक्टरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेहोशी का डॉक्टर हूँ और प्रशांत इधर। ये केस बहुत ही क्रिटिकल था, इसमें हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ा और पेशेंट को डिलीवरी के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3 बच्चे थे और तीनों को सेफ्टली निकालना बहुत चैलेंजिंग था। और मेरे जो सर्जन हैं उन्होंने बहुत बखूबी काम किया है, पेशेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, लेकिन जब उसके बच्चे बाहर आ गए तो उसके बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक्चुअली मैं डॉक्टर के जी पॉल हूँ। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ ऑब्स एंड गाइनी एंड ऑल्सो आई एम द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। 12:45 मुझे फ़ोन आया प्रिंसिपल से कि इस पेशेंट का सिजेरियन करना है। तो मेरे को पता नहीं था, मैं आके देखा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिसका एक बच्चे का पानी निकल गया है और उल्टा है वो, द फर्स्ट बेबी। तो एंड 38 वीक्स प्रेगनेंसी है, सो टर्म प्रेगनेंसी विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड PROM, तो सिजेरियन इज ए इंडिकेशन। तो सिजेरियन के लिए हम लोग इसको तैयार करके ले गए। वहाँ पे कुछ एनेस्थेटिस्ट दे रिफ्यूज्ड टू गिव एनेस्थीसिया बिकॉज there is a history of fever in this case 3 days back, which she took some self-medication and she became all right. But on ground at the moment for the last 3 days, she was not having any fever or any symptoms of what this pandemic is going on of COVID-19. And since this was an emergency case, so I decided that I will take up the case. And Dr. Nirala, very kindly, one of our anesthetists, very kindly consented to give the anesthesia. So when we opened up the case, it was a complicated case. The first baby was upside down, which we had to do a complete breech extraction. And then I found there are 2 separate sacs inside the uterus. We first thought ki ye do bachcho wala hai twin, lekin 2 se zyada dikh gaya mujhe us time. और सेकेंड बेबी जो था वो आड़ा था, ट्रांसवर्स लाइफ, तो इसीलिए हमको उसको घुमाना पड़ा अंदर ही, उसके बाद मेम्ब्रेन रप्चर करके फिर उसको डिलीवर किया। और तीसरा बेबी ओब्लिक था, तो उसको भी हमने मैनिपुलेट करके कैफेलिक बना के फिर उसको डिलीवर किया।